एकमात्र पक्षी जो बास को चोंच मारने की हिम्मत करता है वह है रेवन। यह बिल्कुल कौवे की तरह दिखने वाला पक्षी है। यह बास की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन काटता है। हालांकि बास रेवन को न कुछ प्रतिक्रिया देता है न ही लड़ाई करता है। वह रेवन के साथ समय या शक्ति बर्बाद नहीं करता है। वह सिर्फ अपने पंख खोलता है और आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगता है। उड़ान जितनी ऊंची होती है रेवन के लिए सांस लेना उतना ही कठिन होता है और अंततः ऑक्सीजन की कमी के कारण रेवन नीचे गिर जाता है। इसी तरह एक स्मार्ट तरीके से वो रेवन से पीछा छुड़ा लेता है। हमें बात से ये बात सीखनी चाहिए कि आपको सभी लड़ाइयों का जवाब नहीं देना है या सभी बहस या आलोचनाओं का प्रतिक्रिया देना है। बस अपने स्तर को ऊपर उठाना है, वे खुद नीचे गिर जाएंगे। रेवन पक्षी जैसे लोगों के साथ लड़के समय बर्बाद करने से अच्छा है उन्हें अपनी ऊंचाई पर ले जाए, वे खुद फीके पड़ जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे। इस कहानी से सबसे अच्छी शिक्षा ये मिलती है कि बिना प्रतिक्रिया दिए अपने स्तर को बढ़ाना है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।